राजस्थान के बारां, छिपा, बड़ौद दो राज्यों को जोड़ने वाली राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में सती माता का डोरा व भव्य कलश यात्रा का 3 मई से लेकर 11 मई तक ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के विशेष सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ग्रामवासियों एवं भक्तजनों द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कथावाचक प्रियंका चौधरी अलीगढ़ के मुकरबिंद से श्री राम कथा का श्रवण पान किया जा रहा है। राजस्थान एमपी की सीमा पर स्थित ग्राम बेजाजपुर धेसिया खेड़ी मध्य प्रदेश के बेजाजपुर गाँव में सती माता मंदिर का डोरा व कलश प्रतिष्ठान महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन 3 मई से 11 मई तक रखा गया है। वे प्रसिद्ध कथावाचक प्रियंका जी चौधरी अलीगढ़ के मुखारबिंद से कथा में सैकड़ों भक्तजन तथा कथा का श्रवण पान करते हैं। रोजाना में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे राजस्थान से रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रभु, ये सब आपकी तो कृपा है, हम क्या कर सकते हैं। भगवान बोले, आपने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। तो नारद जी ने कहा, हाँ 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 प्रभु, आपकी तो कृपा है। भगवान ने देखा, देखो कई बातों को कहने से ही समझ में आ जाता है कि व्यक्ति के अंदर के भाव क्या है। भगवान समझ गए और भगवान अपने बच्चों का अहित कभी नहीं कर सकते। भगवान ने तुरंत देख लिया, करुणानिधि मन दीख विचारी और अंकुर गर्भ करु भारी। बोले, अब नारद जी के मन में अहंकार की उत्पत्ति हो गई और अभी तो ये छोटा सा बीज है, कहीं अंकुरित होते होते अगर पौधा बन गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान ने नारद जी के भावों को सुन करके तब नारद जी को कहा, सुनो, तुमने जो किया हमने सब सुन लिया, और भगवान नारद जी के इस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने एक सुंदर सी लीला की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान के ने ऐसी लीला करूंगा कि नारद तुम भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। और क्या किया भगवान ने, भगवान बड़े कौतुकी है। जैसे भक्त भगवान को कहते हैं ना, अगर भगवान थोड़ी ज्यादा परीक्षा ले ली तो क्या कहेंगे, बोले सारी परीक्षाएं हमारी जीवन में लिख दी, कभी औरों के नंबर भी ले लिया करो। तो भगवान भी बड़े कौतुक करते हैं। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।